দিল্লির চালককে হত্যা করে টুকটুকি বুঝায় ট্রাক ছিনতাইয়ের অপচেষ্টা। দুই ছিনতাইবাজকে ধরে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের সোপর্দ জনতার। ট্রাক চালকের গলায় টিপে ধরে টুকটুকি বুঝায় ট্রাক ছিনতাই করার সময় হাতে নাতে ধরা পড়ল দুই চোর। স্থানীয় জনগণের তৎপরতায় প্রাণে বাঁচলেন দিল্লির ট্রাক চালক। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে মঙ্গলবার কাছাড় জেলার কাটিকোড়া ও বড়খোলা সীমান্তের গণিগ্রাম বাজারে। কালায় নাতানপুরের বাসিন্দা আনসারুল হোসেন ও বদরপুর ঘাটে সঞ্জয় মালাকা নামক দুই গাড়ি চোরকে পাকড়াও করে উত্তম মধ্যম দেওয়া হয়। পরে তাদেরকে পুলিশের কাছে সমচে দেওয়া হয়। জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে মেঘালয়ের একটি টোলগেটে দুই চোর আনসারুল ও সঞ্জয় HR63C2001 নম্বরের একটি টুকটুকি রিক্সা বোঝাই ট্রাক থামিয়ে তাদেরকেও ওই ট্রাকে করে নিয়ে কালাইন যাবার জন্য অনুরোধ জানায়। ট্রাক চালক মোহাম্মদ কাইয়ুম সহজ মনে সাহায্য করতে রাজি হন। এরপরই গাড়ি চোর চক্রের দুই পাণ্ডা শুরু করে তাদের কুমত্তব চরিতার্থ করার ফন্দি। বুধবার কাটিগড়া থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মনোজ নার্জারি জানান, ভাঙারপাড় পুলিশ টহল পোস্ট বিষয়টি তদন্ত করছে এবং দুষ্কৃতীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই ঘটনা ট্রাক ছিনতাই করার চেষ্টা। স্থানীয়দের সময় মতো হস্তক্ষেপে ছিনতাইয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। চালক কাইয়ুমের জীবনও ঝুঁকির মধ্যে ছিল, কারণ দুই দুষ্কৃতী জঙ্গলের ভেতরে ট্রাকটি নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। এই ঘটনায় এলাকায় বেশ উত্তেজনা দেখা দেয়। মোহাম্মদ কাইয়ুম कहाँ से आ रहा है? हम दिल्ली से आ रहा है। तो क्या हुआ अभी? हमको ये मेघालय में मिल गया दो लड़का, ये दोनों चाचा मेरे को ना वो कलान जाना है। मैंने पाँच दिन से इधर मेरा गाड़ी खड़ा है, गाड़ी लौटने वाला मैं भी ड्राइवर हूँ, पाँच दिन से मैं इधर गाड़ी खड़ा कर रखा है लौटने वाला, मेरे को कलान जाना था, आप उधर जाओ मेरे को छोड़ देना। मतलब भाई मेरा गाड़ी गर्म होता है, दो घंटा बाद जाएगा, हम अभी नहीं जाएगा। कोई बात नहीं चाचा, मेरे को दो घंटा बाद ही मैं तो घर जाएगा, रास्ता में मेरा घर है, तुम उधर से जाएगा, हमको छोड़ देना। मैं ठीक है भाई, कोई बात नहीं, रुक जा। अब एक घंटे के बाद मैं जब चला तो कहता ठीक है चाचा खोलो गेट, मैं भी चल रहा हूँ, मुझे ले चलो वहाँ से। आज चाचा कर रहा है बहुत बढ़िया, पूरा रास्ता उधर चाचा करता है, चाय भी पिलाया मैंने इसको। कहाँ से गाड़ी पे उठाए? अरे वो दूसरा टोल, एक टोल छोड़ के दूसरा टोल जो है वहाँ अपना मेघालय में सीमेंट फैक्ट्री के पास में मेघालय। हाँ हाँ, वहाँ से बोला, वहाँ से चाचा करता है, दो जगह रोका भी, चाय पानी पिलाया मैंने अपने बस से, कहता पैसे में चाय पानी पी लिया भाई, पिला के लाया। अब वहाँ से कलान में कहता उतरना, कलान में कलान तो आ गया, कहता मेरे को हमने वहाँ बदरपुर जाना, मेरा घर बदरपुर में है, मैंने अभी बदरपुर में, तो कोई बात नहीं चल। अब कहता नहीं तुम्हें काम करो, यहीं रोको, कलान पार करके कहता है तुम यहीं रोको गाड़ी, आगे यूनियन वाला खड़ा है, तुम जल्दी रोको गाड़ी, मेरे को इधर गाड़ी दे दो, तुमको हम यूनियन का पैसा बचा देगा, वो 1000-2000 तुम्हारा पैसा ठग लेगा बाहर का नंबर देख के। मैंने भाई दो मेरा गाड़ी पहले आ रहा है इधर से, वो 200 रुपये लेता है, हम उसको 200 दे देगा। अरे नहीं नहीं, कौन बोला 200 2000 ले सकता है, 500 ले सकता है, 1000 ही मांग सकता है तुमको ना, तुम मेरा गाड़ी दे दो, तुम 1500 रुपये लेगा बचा देगा। मैं कोई बात नहीं, तू लग जाएगा लग जाने दे, नहीं नहीं तुम रोको, रोको तुम्हारा पैसा यार, तुम चाचा मेरे को इतना दुला, तुम्हारा पैसा बचा देगा। चल ठीक है, चल दे दिया गाड़ी। अब लेके वो गाड़ी गली में घुमाया, मैंने किधर काम घुमा, चल सीधा चल सीधा चल, एक गली छोड़ दिया, फिर दूसरा गली में घुसी। अरे चाचा तुम बैठो, है उसको बोलता है, ऐ इसको संभाल, इसको संभाल, इसको बोलने मत दे, चुपचाप बैठा, इसको हम इधर से शॉर्टकट लेगा, इसको बता सर रास्ता इधर से, अरे शॉर्टकट रास्ता है, बैठो बैठो बैठो, टेंशन मत लो, ये बोलता है टेंशन मत लो। अब इधर आया तो इधर आने के बाद ये पीछे बाजार में है, तो सोच रहा किधर जाएगा, हम कह तुम तो बोल रहा मेरा घर इधर है, तो इधर कहाँ जा रहा, फिर क्या हुआ, इस गली में रोड गाड़ी थोड़ा आता, नहीं नहीं आता इधर से शॉर्टकट रास्ता है, सीधा गया उधर, उधर गया फिर रास्ता बंद है उधर भी, उधर से फिर गाड़ी मोड़ा, मैंने भाई फिर करा मेरा घर इधर है, तुम मेरे को फंसा रहा, तू इधर आया क्यों, मेरे को तो 1000 भी लगता मैं देता वहाँ, तुम इधर मेरे को लाकर फंसा रहा, अरे फंसा रहा यार, तुमको शॉर्टकट रास्ता ले रहा, वहाँ से लाया फिर बाजार के पास में, फिर इधर मोड़ा, इधर मेरे दुकान का इशू टूट गया, वो दौड़ा लोग, अरे रोक रोक रोक, नहीं रुका, सौ का सौ भाग, हम भाग। अब मैंने बेटा मेरा गाड़ी खराब होगा, मैं तिरपाल फट रहा बांस में लग के, तो गाड़ी फाड़ेगा नहीं, तुम्हारी गाड़ी पलटी मारेगा, चुम्मा लेगा तुम्हारी गाड़ी को, चुम्मा लेगा तुम्हारे को, तो बताएगा ठीक है। मैं बेटा रोक, बेटा बेटा तुमको बताएगा, बेटा तुमको बताएगा, तो जाके यहाँ पे आके मैंने अपना गाड़ी का जो मेरे को बीच में कर दिया, मैंने धीरे से हाथ बढ़ा के फ्यूज निकाला हेडलाइट का, गाड़ी जब हेडलाइट बंद हुआ तब ये थोड़ा गाड़ी रुका, ये एक दूसरा लाइट लगा रखा मैंने, दो आगे फॉग लाइट, उसका बटन उसने देख लिया, उसको चला रहा, उसको चला के मैंने उसको चलाया, फिर उसको बंद किया, हैंड ब्रेक गिरा के मैंने पैर से उसको दबा दिया, और मैं बिना दबा दिया दोनों गला, ऐ साला छोड़ 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 साला तेरे को मारेगा, वो गला दबाए दोनों, जब मैं जोर जोर से चिल्लाया तब जाके आदमी दौड़ा यहाँ, तो जान बचा, नहीं तो मैं तो खत्म था। आपका गाड़ी में क्या लोड है? टोटो रिक्शा, टोटो रिक्शा, हाँ टोटो रिक्शा, टुकटुक लोड है, कहाँ जाएगा वो? तो अगरतला, अगरतला जाना, अगरतला जाना है।
ये मैं बोल रहा हूँ भाई सीधा चल, नहीं नहीं इधर शॉर्टकट निकाला, तुम्हारा 1000 रुपए बचा देगा और शॉर्टकट रास्ता तुम उसी रोड पे निकाल देगा, ऐसे बोल के लाया मेरे को जबरदस्ती। नहीं नहीं चलो चलो इधर शॉर्टकट ले जाता है गाड़ी में। आप अकेले? अकेला था हम, बहुत बोला मेरे को 100 रुपए लिया, पीछे रुका असम में घुस के वहीं रुका, चाचा मेरे को 100 रुपए दो, मेरा घर वहीं है कलाई में मेन रोड पे, मैं तुमको 100 रुपए घर से ला के दे देगा, तुम मेरे को 100 रुपए दो, कुछ लेना है मेरे को। तो चला वहां लेके गाजा पिया, मेरे को पता मैं चलो कोई बात नहीं भाई, जो लिया कर दे देगा, नहीं देगा तो भी कोई बात नहीं है, मैं अपने साथ आया कोई बात नहीं, पैसा नहीं ले जाए भैया, 100 रुपए दिया। मैं चाय पीने चाय नहीं पीता, मैं पता नहीं गाजा वाजा क्या लेके आया, केला लिया मैंने भाई, केला खा ले, एक केला खाया कहता नहीं केला भी बाद में खाएगा, वो तो इसका नियत तो ये था कि इसको मारना है साले को। কাটিগড়া থেকে রফিক আহমদ মজুমদারের প্রতিবেদন, তরঙ্গ টিভি।